ਜਗਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸ਼ਮਸੂ ਡਕੈਤ, ਸ਼ਮਸੂ ਡਕੈਤ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਠ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ।
ماتھے پہ شرمندگی کے آئے ہوئے پسینے نہیں شمسو کی گرفتاری دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر یہ تمہارے حوصلے کی حد سے باہر ہے تو اپنی بزدلی کا اعتراف کر لو. بزدلی کا لفظ مجھے ہمیشہ نیا لگتا ہے سر. آپ میرے بازوؤں کی طاقت پر اعتماد رکھیے. وقت شمسو کی موت کی تاریخ آپ کو بہت جلد بتا دے گا. اور وہ وقت میرے ڈسمس ہونے کے بعد تو نہیں آئے گا؟ نہیں سر, میں آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دوں گا. میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اندر اگر شمسو کو گرفتار نہ کر لیا تو نوکری سے استعفیٰ دے دوں گا. تم یہ بات شاید جذبات میں آ کر کر رہے. جمیل کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کی تقدیر سمجھیے سر. ویری گڈ. اچھا اب تم جا سکتے. اوکے سر. کوئی نہ شمشو. آپ شمسو آپ we'll be right back.
तेरे इस्तकबाल च कोई कमी तो नहीं रह गई इंस्पेक्टर? कूड़िया पे इंज पाने जीवे मैं तेरे मोंडियां दे पाप तो सारे फुल तोड़ लेने। ए फुल एक दिन तोड़ ही देंगे शमसू, जे तेरी गिरफ्तारी मेरा मुकद्दर न बनी। मेरा मशवरा मन इंस्पेक्टर से तो खाली हाथ वापस टूट जा, पर तेरा खून इसलिए नहीं करांगा कि तू भी किसी मां का पुत्र किसी भैन का भरा कोई प्यार करने वाली बीवी बूए च बैठी तेरा इंतजार कर रही होनी है। मैं इन सारे रिश्ते का खून करके कानून बनिया, पर मैं भी कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। तू साडा भरा है ते तेरी बीवी साडी भैन, साडी भैन बेवा ते पांजा यतीम हो जाए ये किस तरह हो सकता है? तेरी कोई भी चाल मेरा फैसला नहीं बदल सकती शमसू। कानून ने कदे किसी मुजरिम की भैन नू भैन नहीं किया, पर जे अज एक मुजरिम ने कानून की बीवी नू अपनी भैन कही दिता है ते भी तेनू नहीं बचिया। कन खोल के सुन ले इंस्पेक्टर, अपनी इस जिंदगी नू शमसू दे हथ चो निकली हुई खैरात समझी। जे फिर कभी तू मेरे सामने आया मैं तेनू इस रूप च नहीं मिलांगा। इस मौके तो फायदा उठा शमसू ते मैनू खत्म कर दे, कल दा सूरज शायद तेरी लाश मेरे मोंडिया ते देखे। मैं दुआ करांगा तेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए। खबरू जी सरदार, मैनू छेती नाल इथों ले जा। एदा गरूर किथे इस मगरूर दी नीयत ना बदल दे। ले जाए अकबर मेरे पुत्र माफ कर दे यार, कारेज दाखिल होंदे आ मैनू सारियां तो पहले तेरा मत्था चुमना चाहिदा सी। माफ कीता? बड़ा शरीर है पूरा मां ते गया है। अच्छा फिर लै इस तो बाद तोहफा मैं तेरे लिए होर कोई नहीं सी लिया सकता। शरीर छुट्टी आए कल तुर जाना है। कल? आहो मजबूरी है। पर मैं तुम नहीं जानती जी लगता है जिन्हें कानून मेरी शौक है। हौसला कर शकीला, आया मैं छुट्टी ते नहीं पर तेरे लिए लंबिया छुट्टियां ने। एक खतरनाक मुजरिम शमसू की गिरफ्तारी मेरे वास्ते चैलेंज बन गई है। ओ मफरूर होके इस इलाके च आया है ते मैं मौत बन के उदा पीछा करन लगा। रब करे मेरी भी जिंदगी तेनू लगे सेठा, किन्नी मेहनत ते प्यार नाल तुरे सारी दौलत मेरे लिए जमा करता रहा। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी पार नहीं भुलांगा। चले फड़ दोबारा। अच्छा भाई सेठा रब राखा ढेर सारी दौलत जमा हो जाए ना मैनू जरूर याद करी। कुत्ते
तैनू मेरी भी जिंदगी लगे दुश्मना, किन्नी मेहनत ते प्यार नाल तू मेरे लिए इन्नी दौलत लेके आया। दौलत ही नहीं, बंदूक गोलियां भी बड़िया लेके आया तेरे वास्ते। ते फिर अपने चार चफेरे वेख ले, गोलियां दी जंज मैं भी लेके आया। दौलत मैं मैदान ही सुट दी हूं, जेड़ा गोलियां बहुतियां खा ले ले जावे। माल लेके उधर जाओ तो मैं पुलिस नू पिछे लाना। डाकू को गिरफ्तार कर लूं, लेकिन मैं अपने फर्ज में कामयाब नहीं हो सका। आप मेरी किस्मत का जो भी फैसला करना चाहें कर सकते हैं। यकीनन हम हकाम बाला से सिफारिश करेंगे कि हमारे महकमे में तुम जैसे नायल और बुजदिलों की जरूरत नहीं। तुम आज से अपने आप को पुलिस के महकमे से सबक दोस्त समझो। बहुत बेहतर, आपका हर हुक्म मानना मेरा फर्ज है। खुशी की खबर सुनेगा सरदार, ते गोलियां चला चला के आसमान की चादर विच भी छेक कर देगा। ओए खुशी दा मुंह देखिया ते सारी हयाती लंघ गई। छेती दसो केड़ी खुशी है जड़ी अपना राह भुल के साडे बूहे ते आ गई है। सरकार ने उस इंस्पेक्टर नु मुअत्तल कर दिता जिहड़ा तुहाडी जिंदगी दा दुश्मन बन गया सी। घबरा, तू ये क्यों नहीं सोचा कि अज उस इंस्पेक्टर के घर च किन्ना हनेरा होएगा। जिन्हों असी अपनी भैन कहा है, अज तो बाद वो अपना सिर चुक के किसी नू यह नहीं कह सकेगी कि वह किसी कानून के माफस की बीवी है। वह बच्चा नहीं कह सकेगा कि वड्डा होके अफसर बनेगा। चला जा इतों घबरो, चला जा इतों, चला जा। अज मैनू अपने पैसे तो नफरत नहीं हुई, अपने आप तो भी नफरत हो, अपने आप को भी नफरत हो गई है।
इंस्पेक्टर साहब का घर है ये? जी है, पर वो इस वेले घर नहीं है। मैं जानना सा कि मेरा यार इस वेले घर च नहीं होएगा। दरअसल भाभी जी, मुजरिम शमसू ने मेरे यार का सुकून खो लिता है। मतलब दी गल करो, तुसी कहना की चाहते हो? ना तो मैं तुहानू उन्हां नाल कदी वेखिया है, ते ना ही उन्होंने मेरे नाल अपने किसी दोस्त का कोई जिक्र किया है। उन्हें तुहाडे नाल मेरा जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो मैनू अपना बेवफा यार समझता है। तो भाभी जी बेवफा इसलिए समझता है कि मैं 5 साल पहले उन्हां कोलों 25,000 रुपए कर्ज लेते सन। वो रकम अज मैं वापस करना है। पर उन्होंने तो मैंने इस रकम के बारे कभी नहीं दसिया। शायद मेरा यार तुहाडे कोलों डरदा है। लो अपना कर्ज, मैं अपना फर्ज पूरा कर दें। जे उन्होंने कुछ पूछा तो मैं की जवाब देंगी? बस यही कहना कि तुहाडा एक पुराना मुजरिम आया सी, जिन्हें 5 साल तो तुहानू बेचैन किया। पहले ऐसे तुहाडा एक दोस्त आया, कहन लगा इंस्पेक्टर साहब नू कह देना तुहाडा मुजरिम आया। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नहीं अपनी मौत को, सिर्फ अपनी मौत या फुल अपनी दौलत। शायद ये तेरी कोई सोनी जी कब्र बन सके। रस्सी सड़ गई है पर फल अजे तक नहीं गया। इन्हों मोड़िया ते फूल नहीं रहे ते की होया शमसू? मैं पहले भी कानून सा, जा हूं भी कानून आ। मेरे रहम ते हमदर्दी का मजाक न उड़ा इंस्पेक्टर। मैं पहले भी कह चुका, मैं तैनू मार के तेरी बीवी नू बेवा ते तेरे बच्चे नू यतीम नहीं करना चाहता। मौत का नाम मेरे लिए पुराना हो चुका है शमसू। कसम है मैनू कानून दी, मैं आज कानून नू तेरी लाश का तोहफा जरूर देंगा। मेरी बीवी बेवा क्यों ना हो जाए, मैं कानून दी राह विच शहीद होके अपने मासूम पुत्र नू दी मंजिल का निशान जरूर दिखावांगा। ओए तेरे पिंडे ते मरण मिट्टी चढ़ गई है इंस्पेक्टर, जा रब दा वास्ते इथों चला जा, इथों चला जा। खबरे तेनू मारन लग्या, मेरा दिल क्यों कम जांदा है? अपनी पुजदिली नू कोई दूसरा ना ना दे शमसू। इंस्पेक्टर चला जा, जेवी वेला ही चला जा इथों। इंस्पेक्टर रब दा वास्ते ही चला जा इथों, मैं कहना चला जा। मन ले मेरी, ओए मन ले, बाज आ जा, बाज आ जा। बकवास बंद कर, आज मैं तेरी रगा चो गंदा खून कर दियांगा। इंस्पेक्टर मेरे सिर से इन्ना वड्डा खून पा दिते कमीने। जमीन ना मरी होए, ना मरी जमीन, जमीन रब्बा रब्बा मेरी जिंदगी ले ले, इन्नू बचा ले जमीन। अब्बू जी चुप करो, अब्बू जी मर गए ना। अब्बू जी उठो, अब्बू जी, अब्बू जी देव ना अम्मी जी, अब्बू जी उठ रहे देव कान के मन ना उठाओ, मन सौन दो। अच्छा बोलो जमीन, ताड़ो पप्पू तान बुलान दो पिया जमीन, तुझे तो जरूर तेरे स्वागत। राणा शमसू टिकेट ने मारे है।
वर्दी पाण लगे सोच लिया सी शमसू कि मैं फर्ज दी राह विच शहीद होके अपने मासूम पुत्र नूं उहदी मंजिल जरूर विखावांगा। खुदा दी कसमे जे मैं तेनू गिरफ्तार न कर सकिया शमसू ते अज मेरे घर मेरी लाश ही जावेगी। मैं कानून नूं दे तमाचे दा जवाब जरूर दांगा जेड़ा उन्ने एक फर्शनास अफसर दे मुंह ते मारिया है। भावें इहदे लई मेरा बच्चा यतीम ते मेरी बीवी बेवा हो जाए। डाके की तैयारी मुकम्मल हो गई है सरदार। कत्लो गारत करीदा है पेशा छड़ दिता है। तुसी भी इस रस्ते तो वापस आ सकते हो ते आ जाओ नहीं तो अपने लिए कोई नवा रस्ता लब लो। कानून साडे लिए गोली का हुक्म दे चुका है सरदार। असी अपने लिए नवा रस्ता ते नवा सरदार ते लब सकने पर कानून की तलवार दाल अपने सिर नहीं कटा सकते। तो फिर चले आ जाओ। यही सजा काफी है कि मैं सारी जिंदगी अपने गुनाह की अग सड़दा रवा सड़दा रवा। एक बारी फिर सोच ले सरदार। अपनिया बावां कट के सुट देगा ते कानून दे हाथ बड़ी छेती तेरे गरीबान तक पहुंच जाएंगे। मशवरे की कोई जरूरत नहीं। मेरा फैसला आखिरी फैसला है। जे तुसी भी अपना फैसला बदल सकते हो ते मेरे दिल च तुहाडे लई बड़ी थां है और जा सकते हो। की पुत्र अबू किथे कर गया? तेरा अबू कभी नहीं आएगा गुड्डू, कभी नहीं आएगा। नहीं ना, नहीं मैं अपने अब जरूर आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। पुत्र तो नहीं? हाँ, अरे मेरे प्यो दे तमा। तेरे प्यो दे कातिल नू मैं जानना पुत्र। कितने मेरे प्यो दा कातिल? चल मेरे नाल, अपने दुश्मन ते तेरे प्यो दे कातिल नू दोवी रल के मारा दे। आ जा। बीगा, बीगा। तू किधरे मेरे बच्चे ने नहीं वेख्या? वीरा। हाँ वीरा, वो मासूम मेरे सुहाग के कातिल नु लगता लगता अभी आप कितने गवाच गए? पर तेरे सुहाग का कातिल कौन है? उस जालम का नाते दस। ओदा नाम है शमसू। शमसू? हाँ वीरा, अजय खामन की कब्र के फूल भी नहीं सन सुखे कि तकदीर ने मां की ममता कुलों का पुत्र भी खोलिया। बस कर मेरा, बस कर। सौरभ जी, ये मैं दिलों किया है। जिस शमसू ने तैनू बेवा दे तेरे बच्चे नू यतीम किया है वो सारी हयाती बेसुकून रहेगा। जीना चाहेगा तो जी नहीं सकेगा, मरना चाहेगा तो उन्हें मौत नहीं आवेगी। मेरी वीरा को नई हुई दुआ है वीरा,
कि एक दिन उस कातिल की लाश मेरे पैरों में होवे। क्यों नहीं मैं तेन पहन चुकी है ते फिर मैं तेरे नाल वादा करना कि मैं तेरा पुत्र भी लभ के ले आवांगा ते एक दिन तेरे स्वाग दे कातल शमसु दी लाश भी तेरे पैरां च होवेगी। वीरा हाँ भैणा हुण तू घर जा मैं तेरे बच्चे नूं बड़ी छेती लभ के ले आवांगा बड़ी छेती लभ के ले आवांगा तू घर जा 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 मेरे शेरो मैं एक तो लेके तीन तक गिनागा कि मेरी जबान चो तीन का लफज सुन दिया ही तुसी एक दूजे से गोली चला दी। अकबर तू ये सोच के गोली चलाई कि बदर तेरे पियो का कातिल है ते तू ये सोच के गोली चलाई कि जे तू अज अकबर नू नहीं मुकाया ते एक दिन तेरा दुश्मन बन के तेनू अपनी गोली च पिरो देगा। एक दो गोली क्यों नहीं चलाई इस वास्ते तो मेरे पिस्तौल चिग गई गोली से वो गोली मैं वो दिन बचा ली है जिन्हें मेरा प्यो का कत्ल किया है। जी ओए मेरे दुश्मन दे मोती है जी करता है तेनु आज ही खींच के चौल कर दिया। एक ही कह देते हैं वीरा मेरे पुत्र से कोई पता नहीं लगा। मैं उम्मीद ही गुनाह है मैं तेरे मरूम खाविद नु इस दुनिया च वापस ते नहीं ले आ सकता पर तेरे नाल ये वादा करना कि तेरे गवाचे हुए पुत्र नु एक दिन जरूर लभ के ले आवांगा। तेरी यह झूठी तसल्ली मेरी तकदीर नहीं बदल सकती हुण मैं पूरा यकीन है कि मेरा पुत्र कभी नहीं मिल सकता कभी नहीं मिल सकता। मैनु इन्नी वारी पहन ना कहो कि एक बारी फिर मेरा जिंदा रहने जी कर पाए हम तो मैं मौत के सिवा किसी चीज की लड़ नहीं किसी चीज की लड़ नहीं। तेरा खाविन के पुत्र के सिवा इस दुनिया च और कोई नहीं? नहीं वीरा मेरा और कोई नहीं मेरा और कोई नहीं। जालम भरा है जिन्हें अपनी भैन के सुहाग का खून कर दिता तेन मर जाना चाहता है मर जाना चाहता है। नहीं नहीं तेन अपने जुर्म की सजा हम सारी जिंदगी कटनी पेगी इसलिए कि जे तू भी मर गया ते तेरी भैन का इस दुनिया च कोई भी नहीं रहेगा कोई नहीं रहेगा कोई नहीं रहेगा। अथरू पोछ ले पैना तेनों अपने मरे हुए खाविन ले नहीं अपने बिछड़े हुए पुत्र ले इस वीर लिए जिंदा रहना पड़ेगा जिंदा रहना पड़ेगा। जे तू मैनू जिंदा वेखना चाहना वीरा तो फिर तेरे नाल एक वादा कर कि तू उस जालिम नू कदी माफ नहीं करेगा जिन्हें मेरे सुहाग का खून करके मैंने बेवा कर दिता ते जिन्हें एक मां कोलों का पुत्र दूर करके ओदी ममता नू अन्या कर दिता। सब कर
सबर कर भैन सबर कर, मैं तेरे नाल वादा करना कि मैं तेरे खाविंद कातल की लाश एक दिन तेरे कदमा च सुट दिया, तेरे कदमा च सुट दियागा। नचना क्यों बंद कर दिता ही? नचो यो देर तक नचो जब तक मेरे दोवे शेर ठाके तो कामयाब नहीं लौटते। नाचना क्यों बंद कर देते ही? नाच नाचो Hey!
ने अपने नोट वापस चुक लो। दुनिया भी हर दौलत इस दौलत को लोग करते हैं। बुद्धि घोड़ी लाल लगाम मेरा हद तेरे हद को लो ज्यादा पा रहा है। मां से इस मेरी मां ना बनाए, मैं तेरी पैर बना दिया तो तेरे कोई एतराज नहीं होगा। एदा जवाब तेनू जरूर देंदा लाला, पर मजबूरी है कि तेरी मौत इच मेरे बाप का हुक्म शामिल नहीं। तुसी मैं माफ कर दो मां जी, ओ ना समझे ते ओदी गलती सी कि उन्हें एक मां याद चुकने की कोशिश की थी। ने उस दवाए तो छिड़के तेरे से हथ दी चुकया, तेरा डाका कामयाब भी नहीं होने दिता, फिर तू अकबर की जिंदगी उस दवाए के सिर की वेल क्यों नहीं बना दिता। मैं अकबर की जिंदगी उस दवाए के सिर की वेल से की रब की सौ के पैरों का घुमरू बना देता, और हथ इसलिए नहीं चुकया बाप, हथ सिर्फ तेरे हुक्म ना उठ सकते ने। फिर तेरे बाप का हुक्म ही तू उस दवाइफ न चुक के इतने लिया। मैं उस दवाइफ न अकबर की मौत ही न चाहूंगा। जे तेरा यह हुक्म है बाप, तो फिर उस दवाइफ से की मैं अकबर की मौत न भी चुक के लियावांगा। मैं अपनी जिंदगी की बाग दौड़ सिर्फ तेरे हाथ जिसलिए पढ़ाई सी दिलावर, क्या तू मैनू मेरी मंजिल तक पहुंचा सकेगा। पर बड़े अफसोस की गल है कि ना ही मैनू मेरी गुआची मां का पता लगा ते ना ही प्यो दे कातल दा। अकबर तेरे प्यो दा कातल सिर्फ तेरे ही नहीं मेरा भी दुश्मन। मैनू ऐसे पता लग गया कि वो जिंदा है। जिस दिन उसके टिकाने का पता लग गया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। किसे दी गैरत चुक के ले जा रहे हैं कि एक भरा अपनी रुसी हुई भैन नू घर ले जा रहे हैं। मेरा रास्ता छोड़ दे, ए तेरी थी ते मैं तेरा दामाद हां। और मैं ते सिरे इसलिए नहीं सजाए सन के जे ती जम पई ते कोई मेरा दमाद बन के मेरा सिर चुका न दे। इन्हें छड़ दे। तू कितों जम के आ गया है, एदी बात ते मौत ही मेरे हाथ नहीं छुड़ा सकती। मौत दा ना ते तू आज तक सिर्फ सुन दा ही रहे, पर मौत दी चपेड़ आज पहली बारी देखेगा। बहादुर से पर जे गैरतमंदा वाला कम करदा ते अज तेरी कंड ना लग रही। और मैं सिर्फ अपने बाप दे हुक्म दा गुलाम हूं। की ना है तेरे बाप दा
दिलावर का ना इस इलाके से तोड़ भी जाती है। ओ अपने बाप नू जाके मेरा चल मैं तेनू तेरे कार मथे दे तरेरी अखा इच मौत दा खौफ। मैं तेनू पूछ सकना कि तू खाली हाथ क्यों आया? मैं कदी भी खाली हाथ ना आंदा। मेरे रस्ते च दीवार तेरा पुराना दुश्मन शमशू बन गया सी। रब करे तेनू मेरी जिंदगी लगे दुश्मना। इन्नी मेहनत से प्यार नाल तू मेरे लिए इन्नी दौलत लेके आया ते मेरा ओ दुश्मन शमसू अजे जिंदा है। जिदी मौत लई मैं अकबर नो खिंच के जवान किया। अकबर तेरे किसे इशारे का गुलाम नहीं रहा बाप। वो हुन सिर्फ साड़ी जिंदगी दे दुश्मन है। बराबर दुश्मन आख मैं तेन इसलिए मारिया सी कि तू एक मजलूम ते जुल्म कीता सी। तवाइफ ते मजलूम लाला ए क्यों नहीं कहंदे कि तेरे साड़े रस्ते नहीं मिलते? ना तेरे मेरे रस्ते मिलते ने ते ना ही सोच मिलती है बदरू। होश कर अकबर। जे तेरे साड़े रस्ते नहीं मिलते ते फिर तेरी मंजिल सिर्फ मौत। जे मौत का मैनू खौफ होंदा ते मौत नाल खेडना मेरा पेशा कदी भी ना होंदा। ओ सिर्फ मौत का ना ही सुने लाला वेखेंगा ते बेमौत ही मर जाएगा। ओए जे मेरे ही लून दा बड़ा होया खून तेरिया रगा तड़ेरा पा गया ते फिर कल दा चढ़दा सूरज तेरी जिंदगी दा आखिरी सूरज होएगा। कल मुकाबला ही मेरे खून ते लून दा देखांगा मौत मेरा पुत्र है कि तू। अपना यह फैसला वापस ले ले बाप नहीं तेनू अजे भी समझा दे ये साड़ा वफादार रहे। ये गद्दार बन गया ते दिखल उदेड़ के दा कफन बना लिया था। बदरू तू ते फिर भी मैनू कफन दे देगा पर सुबह दा सूरज चढ़ लेने दे मैं तेरी लाश नू बगैर कफन दे दब देंगा।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਦੀ ਹਰ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ। ਬਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂ? ਤਬਾਹੀ ਹੁਸਾਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਕਿਸੇ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਵਾਇਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਵਾਇਫ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਕੜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਡਾਕੂ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੀ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁੰਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਘੁੰਗਲੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ
नामी नकामी। मैनू तो इंज लगता है जिवें तुसी सारे अकबर के वफादार मेरे गद्दार हो। ए की कह रहे बाप, आज तेनू अपने पुत्र के खून से भी शक पै गया, फिर अजे तक अकबर का सुराग क्यों नहीं मिले? बड़ी छेती मिल जाएगा जो मेरे बाप का हुक्म होए तो अकबर ते की मौत में भी जाके तेरे पैर छुट सकना। इंस्पेक्टर साहब, इन देर नाल क्यों आया? मुझे तो वेला तो खत्म हो गया। तू की समझिए कि मैं मुझे सुन आया? समाज भी इनके मत्थे पे कोई मूर्त नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब तुसी हुक्म करो, मैं तो इस्तकबाल ले फिर चादर बिछा देनी है। और फूल, मैंने तो तुमको पागल लग दी। कितना नुकसान कर लिया तू अपना पुलिस में बेच के। ते तेरी ख्वाहिश थी कि मैं तेनू गिरफ्तार करा दें। ए भी ते एक नेकी सी कि तू मेरा इनाम हासिल करके अपना पेशा छड़ दें। सौरभी दौलत दी तक थोड़ी नहीं, लोड़ होवे ते जमीन ते एक टप्पा मारा ते दुनिया का हर डाकू फकीर कर दिया। तू दस तेनू किनी दौलत दिया कि तू डाकू तो इंसान बन जाए? ते शायद तू भी मैनू डाकू ही समझती रही है। तू सौ खा के कह दे कि तवाई भी तेनू कदी शरीफ साधी लगी है। चेहरे तो तू कई बारी मैनू शरीफ साधी लगी है, पर जब कुंगरों की आवाज करना पैंती है तो ईमान डोल जाता है। तू भी मैनू कई बार इंसान लगे पर गोली की आवाज जब भी कन्ना च पैंती है डाकू तब लिखा पै जाता है। मैं सौ खा के कह सकना कि मेरी गोली ने आज तक कदे किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। मैं भी सौ खा के कह सकनी हूं कि मेरे नखरे ने भी किसी तमाशबीन के दिल का खून नहीं किया। मैं तेरे से यकीन जरूर कर लेंदा जे तू तवायफ ना होती। दिल मेरा भी मन चाहता जे तू डाकू ना होता। डकैती मेरी मजबूरी है, की करा नचना मेरा भी जरूरी है। मैं डकैती की जिंदगी छड़ दिया पर मेरे इस दुनिया कौन है? जे मेरा भी कोई बन जाता तो अज मैं भी किसी शरीफ घर की चार दीवारी चाहती। मैं तेन जरूर अपना बना लेंदा पर यह सोच के डर जाना वा जिद मथे एक बार तवायफ की मोर लग जाए उसकी किस्मत में सिर्फ तमाशबी नहीं आते। मैं भी तेनों अपना बना लवा पर यह सोच के डर जानी है कि डाकू के नसीब दाशतावें ही आदि ने। जो तू मेरे नाल शराफत की जिंदगी गुजारन का वादा करें तो मैं भी तेरे नाल वादा करना कि डकैती की जिंदगी में छड़ जाऊंगा। सौदा पिछता ही तो फिर बयान आई है कि हथों बंदूक सुट दे, नहीं तो इतों वापस चला जा। मैं सोच के दिल में समझा लगी कि तवायफ के नसीब सिर्फ तमाश भी नहीं आ सकते ने। ये ना कहो सकती एक डाकू की जबान तमाश पीन की जबान नहीं हो सकती। एस टेन मैं सुट दी है ते मेरा तेरे नाल वादा से भी कि तेन अपनी जिंदगी बनाने तो बाद जिन्ना दोबारा बंदूक अपने हाथ से फड़ा तो तू बेशक उम्र बन ले। लसीना शमसू कानून नु 20 साल बाद अपने रस्ते विच वेख के तेनू यकीन हो गया ना कि मुजरिम कबर दे विच भी लग जाए उनू कानून बाहर लाउंदा है। ओए तुम कानून दा पुत्तर के गौर कम दे शमसू, कानून दा ए मुहाफिज तेरे को तेरे पिछले 20 साल की कत्लो खारत दा हिसाब लेना चाहता है। ओए कानून दा मास्टर ना बन, मैं डकैतियां मारदा रहा आलू ते नहीं बेचदा रहा जेड़ा तू मेरे को हिसाब लेना आया है। असि सिर्फ ये चाहने शमसू तू अपने दोनों हथ हथकड़ी लाई पेश कर दे। ओए किन्ना शौक है तेनू हथकड़ियां पवाण दा, तू किसे वंगा चढ़ाने वाले दा पुत्र ते नहीं। तू गिरफ्तारी ना दिते शमसू असि तेनू गोली मार देंगे। गोली मारेगा
ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੰਨ ਚ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ਮਸੂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਮਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਈ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮਸੂ? ਐਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਗਿਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਬਾਪ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕਾਂ।
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਵੇਲੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇ ਬੇਟਰ ਜੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬੇਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਨਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਖਾਬ ਨਾ ਵੇ ਸ਼ਬਨਮ ਜਿਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਾਂਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਬਨਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹਨ ਕਰਮਨ ਵੀ ਜਾ
लस्सी दे पीजो। मेरी सेहत का ना ख्याल बड़ा जरूरी है। ऐसी खिदमत ते एक कार दी बीवी कर सकती है। तुम्हारी बीवी बन जावा फिर तुम्हें ही खिदमत करनी चाहिए। बंदा तो हुक्म का गुलाम है, जे कहो तो हमें सीने ना ला लवान। छड़ भी दियो मां ने पता लग ही जाना चाहिए है कि असि हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बड़े बेशरम इस लस्सी तुसी प्यार की इन्नी को खंड पा दी है कि बड़ी मिठी हो गई है। अकबर जी मारी इस बुए वाल देख के मानू सिर्फ इन्ना दस के पुत्र है जे मैं मर जावा तो मेरा जनाजा इस बुए विच निकल सकेगा। मां जी हाँ अकबर इस सत इस चार दीवारी च आके बड़ी खुश हुई सा बेहयाई ने मेरा पीछा छड़ दिता पर अज फिर इंज लगा कि जिदे मत्थे ते तवैफ की मोहर लग जाए वो बेहयाई की मौत ही मरती है। बस तो मां जी मैं समझ गया वा जे समझ गया ते अज ते तीन सिर्फ मेरी अखा ने तेरिया बाहों च वेखिया इस तो पहले कि कोई होर वेखे ते फिर इस जा के मैनू इज्जत की मौत मरन की इजाजत दे दे अकबर। बड़ी छेती तुहाडे हुक्म दी तावीं लगेगी मां जी नसीब नाल बड़ी छेती रिहा कर लागा तुसीं कुछ ना करो। सुनिया सी सुहाग रात में बोटी बोलती काटे ते शर्मांदी पौत है। कोई बोले ते पामी शर्मावे तूफान निकल आन तो टल जाए। सच
मैनू तोड़न लग्या एना दी आवाज भी ना लाई तो बड़ा ही स्वाद आएगा। तू है कि इजाजत ना इस पर्देदार कर दे दिल सकती। मैं एक तवायफ को मिलन आया हूं। तवायफ पर्देदार कर दे चार दीवारी हो और जगह भी कोठा बन जाती है। कोठे ध्यान लगे नहीं सिर्फ जल लगे इजाजत नहीं दिया। मैंने हाथ ना लाई गए असी मान दे व्यापारी नहीं सिर्फ तेरे इज्जत के शिकारी हैं। अपने पैर का मुखलावा लेके चले या अपने प्यो नी नू विखाण जा रहे हैं। जिदा मुजरा अज असी प्यो पुत्र कट्ठे वेख रहा है। तू मेरी इज्जत रब दिसो मैं तेरे ते तेरे प्यो वास्ते नवा कब्रिस्तान बनावांगा। ओए फिर उस कब्रिस्तान पहली कब्र तेरी होएगी। गोली न मारना दस्ते चोटा देना। गोली ना चलाई इन्हें अपनी रगों का खून बदल लिया पर मैं हाले तक नहीं बदलिया। इथों टुर जाए ते अपनी इस जिंदगी नू अपनी भैन दे सिर दा सदका समझी ला जाता है। मैं पूछ सकना कि मैंने दुश्मन के घेरे च वेख के तेरे खून ने उबाला क्यों मारिया सी? मेरे मौसम के खून ने उबाला उतों ही मारा सी जदों इन्होंने मेरी इज्जत बचाई सी। गैरत के दुश्मन ने मारना मेरे मौसम की पुरानी आदत है। इसका मतलब है कि मेरे से तुझा एहसान है? एहसान नहीं ये मेरा फर्ज सी दोस्ता। जे दोस्त कह रहे हैं तो फिर क्यों ना सी याराने जे कड़ी च कैद हो जाइए। शमसू 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 दा मतलब है शमसू ते अकबर दो भी मेरी दुश्मनी दे लड़ी दे मोदी भर गए ने। जे लड़ी ना टूटी सरदार ते फिर सानू इलाका छड़ना पै जाएगा। नाकामी दा सोग मनाने वाले कदी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। शाबाश ओ बहादुर की जिहड़ा अपने जख्मां दी गिनती करे। तुसी खुशियां मनाओ और मेरे बंदूक की नाली चो एक कोई गोली निकलेगी पर लाशा कई डिगन गया। मैं समझा नहीं बाप। तू समझ जाएगा पुत्र मेरे हुक्म दी गोली ते चल लें दे। वो ये की कह रहे? मेरी इतना बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। ताड़ी बस्ती बना लेन वाला अकबर बहुत खतरनाक डाकू है। तो दी बीवी शहर की मशहूर तवायफ है। वो डाकू है मजदूर के रूप में इस बस्ती क्यों है? उसकी बीवी तवायफ है तो शरीफ की चार दीवारी चौदह की कम है। चौधरी साहब वो मजदूर बन के इस बस्ती में एक बहुत बड़ा डाका मारना चाहता है। एदा मतलब है वक्त आने तो पहले मैं उन्हें संगल पा दिया नहीं तो मेरे तो बस्ती का इतमाद हमेशा लिए उठ जाएगा। आ मेरे नाम
अकबर तेरे घर पुत्र होया? ओ दाई मां चंगी तरह देखी ही ना कह रही है। हाँ हाँ पुत्र ही है। मुबारक हो अकबर, देख रब ने तेन कि सारा पुत्र दिता है। मां तेन मुबारक हो, रब ने तेन सोने का खिलौना खेलना से दिता है। मेरा ख्याल है चौधरी साहब को सारी वारदात का पता चल गया, वो पूछने वास्ते आ गए। मैं और पूछी तो बहुत अच्छा मैं आना मां जी। शायद मुबारकबाद दे रहे हो, मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूं। हाँ मुबारक देना है, गरीब मजदूरों का दिल पहचान ली ऐस पत्ती दिखती आई। एडी वड्डी खुशी की खबर सुनकर मुंह क्यों फेर गए? तेनू तो खुश होना चाहिए। बस्ती वालिया ने आज ते मुजरा सुन ली तेरे घर की चार दीवारी ने चुने। चौधरी साहब तेरे मत्थे ते तरीली क्यों आ गई? ए खबर सुन के बस्ती का हर जवान खुश हो। अपने बुजुर्ग नु मेरे हाथ खिडौना ना बनाओ चौधरी साहब। जड़ा तीर तुम अपनी जबान तो चलाया मैं सिर्फ इस वास्ते सह गया वहां मैंने शराफत की जिंदगी गुजारने वास्ते अपनी बस्ती च पना दी। पनाह देने लग्या जे मैनू यह पता चल जाता कि तू वो डाकू है जेड़ा लोगों नू बेकार करता रहा, मैं ये जुर्म मैं कभी ना करता। चौधरी साहब तुसी कोई बुराई नहीं की, नेकी की। इस तू वड्डी नेकी और हो भी की सकती है। बस्ती के घर झनेरे मचाने लई डाकू बुला लिया, शरीफ दिया भैन न चढ़ा सकान लई एक तवायफ मंगा ले। चौधरी साहब ना मैं और कोई डाकू हाँ तो ना मेरी बेबी कोई तवायफ है। तुम अपना पुराना पेशा छड़ चुके हो तो फिर मेरे को असल रूप क्यों लुकाया? इसलिए कि मैं चानन की तलाश थी चौधरी साहब, जब तुम सिगरेट पार के मेरे सामने आ गए हो। जब तुम यह नहीं चाहते कि मैं जुर्म की तलाश प्यासी चो छा चौधरी साहब तो फिर एक बार मेरे हाथ बंदूक फड़ा दो, अपनी नूह के पैरों कंगलू बन के कोठे से छाओ। अकबर तुम यह चाहते हो कि मैं फिर एक बार अपने खून का तूफान बन जावा? ये तुम चाहते हो कि मेरी बीवी परी फिर पैरों कंगलू बन के कोठे से जा बैठे? चुप कर गया चौधरी साहब, जवाब क्यों नहीं देते? मैनू माफ कर दें पुत्र, माफ कर दें। और तीसरी चपेड़ मेरे मुंह से ना मारी जाए, जाके दिलावर नु मेरा पैगाम दे इस बस्ती का कब्रिस्तान इन्ना छोटा नहीं जैसी इतने उसकी कब्र भी ना बना सकी। पुत्र मैं माफ कर देंगे चौधरी साहब।
ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਚਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਤਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸੁਰ ਟਾਕੂ ਸ਼ਮਸੁਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗੀ ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰ ਦੋਸਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਦਰਾ ਹੈ ਕਾਦਰਾ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸਤਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਰਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਫੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਰੱਬ ਰੱਖ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਮਸੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਏ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸੂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਲਵੇ ਤੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸ਼ਮਸੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸ਼ਮਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਮਸੂ ਮਜ਼ਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਕਲ ਕਰ ਓਏ ਅਕਲ ਕਰ ਬਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ
पंजाब की सारी पुलिस नु सुआ देंगे। मैडम की मौत लई तैयार हो जा शमसू। तेरी मौत रब दे हथ च किसी पुलिस दे हथ च नहीं। ऐले मैं अपना हथियार सुट दिता और तू अपनी जमण वाली नु याद करके गोलियां चला ते मैं अपने रब नु याद करके अपना इत्काद आजमाना। हराम दी मौत न मर शमसू। ओए मैनू हराम दा नहीं कोई हलाल दा ही मारेगा। यार हो जा गाजिया। पंज नारा पंज तनी एक नारा हैदरी। محافظ میرے بوئے تھے جے میرے خامن دی پینشن دین آئے ہو تے اندر لانگا تے جے کسے مجرم دی تلاش وچ آئے ہو تے سوچ کے واپس چلے جاؤ کہ اس گھر وچ قانون دے محافظ دی بیوہ رہندی ہے ایک مجرم دی تلاش ہی سانو اس دروازے تے لے آئیے تینو اچھا سنن دی عادت ہے یا میں ہولی بولیاں جو تسی کہنا چاہنے ہو سو میں سمجھ پر جو میں کہنا چاہنا سن کے تو انہوں اپنے کنہ تھی یقین نہیں آئے گا وے خامن دی موت تے پتر دی جدائی تو بعد بھی میری زندگی لے کے طوفان رہ گیا سی اس طوفان دا نام شمسو ہے ماں جی میری خامن دا قاتل خامن دا قاتل ہی نہیں تاڑی بندے سی بھی تھی ہے وے کہ اس مجرم نے تاڑی کار رکھیا ہے اور 20 سالہ تو تاڑا پرا بن کے ایس کاری چھ رہی ہے انسپیکٹر ہاں ماں جی شمسو نے توڑا خاون کھون تو بعد تو انہوں جس نوی روپ نہ لٹھے اس روپ دنا قادر ہے بس کر انسپیکٹر بس کر میں ایلی کہنا چاہنا سا کہ اس ساڑا ناکابندی توڑ کے مفرور ہو گیا ہے کہ وہ قانون تو اک مچا کے توڑے تک پہنچ جائے تو سانو اتنا ضرور کر دینا ساری زندگی خامن دے قاتل نو میرے قدمہ اچھ لے آن دیا خسما کھاندا رہا ایک ماں نالو دا وچھڑا ہویا پتر ملان دے وعدے کرتا رہا میں نو پہن کہہ کے میرے سر تے ہاتھ رکھتا رہا اج اوہی میری زندگی دا قاتل نکل آیا تیری گرفتاری دے جس فرض لے میرا خامن شہید ہویا سی اور جو فرض اور شہید دی بیوا پورا کرے گی گولی نہ چلائی بہنا او شمسو جڑا ساری زندگی قانون دے بارود نو مٹی سمجھ کے اڈاندا رہیا اج تیرے کولوں اپنی زندگی دی بھیک منگدا ہے او اس لئی کہ جس طرح تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کے میں 20 سالہ تک اپنے اتھرو سٹدا رہا ہوں اسی طرح تو ہی میری موت تو بعد میری قبر تے بال کھول کے باقی زندگی ماتم کر دی ہوئے گی ماتم کر دی میں ماتم تو میں صرف اپنے خامن دی موت تے کیتا سی آج تے میں اپنے خامن دے قاتل دی موت تے خوشیاں مناواں گی ای تے اج میں دیکھ رہا ہے کہ بیوی خاون دے قاتل دی لاش تے خوشیاں منا دیئے کہ ماتم کر دیئے گولی چل دیئے کہ بندوق ڈگ دیئے مرن تو پہلا میں اپنی حراست تے سارے سنگل توڑ کے تینو دس دینا وا کہ تیرے سامنے کھلوتا ہویا اے
खूनी कातल ते कानून दा मुजरिम तेरा पिछड़े होया भरा है। इस तो पहला कि मेरा दुख तेनू कातल दी जान लगे, याद करो तूफानी रात। मेरी जिंदगी दी उस तूफानी रात ने मैनू हमेशा ले जुर्मा दी खाट च सुट दिता। गोली चला पाया रब दा वास्ता ही अपने भरा मिलन दी खुशी च इंतकाम ना भुली। इसलिए कि मैं जीना नहीं चाहता जीना। जेड़ी सजा मैं तेरी कैद च कटी है रब दी सौ दुनिया दा सबसे तो वड्डा कैदी भी नहीं कर सकता। कानून दे कैदी दी सजा ते फिर ही मुक जाती है, पर मैनू इस कैद तो रिहाई मेरी मौत तो बाद ही मिलेगी। मैं तेनू किवें दसा पहला इस कैद दा हर दिन मैं सूली ते रात कंडियां ते गुजारी है। तू 20 साल मेरे सामने खड़ो के अथरू सुटदी रही है। तू मेरे दिल ते तेरा हर अथरू पत्थर बन के बचता रहा है। तू कातल दी मौत दियां दुआवां मंगदी रही है ते मैं हथ चुक के आप ही कहना रहा जे अजे सोनी घड़ी आई गई है ते फिर अजे तो गोली दी आवाज क्यों नहीं आई। गोली चला बंदूक क्यों सुट दी वीरा? तुझी वाल मैंने वीर न कही, मेरी सजा और बढ़ जाएगी। तू तो मैंने आजाद कर ही दिता, पर मैं तेरे नाल कितने भी दो वादे पूरे करके हमेशा हमेशा लिए मफरूर हो जावगा, मफरूर हो जावगा। एक ही कह रहे हैं जानी, बदर गिरफ्तार हो गया। हाँ बहना, पर तो अपनी अखाई का सुना ले पुत्र की गिरफ्तारी की खबर सुन के सरदार की अखाई चाया खून में देख चुकी। जे बदर ने वापस नहीं आना तो मैं दस दे जानी, पानी ते मौत ही है ना। जे 2-4 घड़ी पहला मर जावगी तो कहड़ी क्यामत आ जाएगी। मैं कह पैना दुआ करके आई तकदीर बदर नाल दवा ना कर। बदर ने थोड़े आके नहीं कराया से ना मुजरम का यार ही बने। चुप फड़ लो, इन्हें गुनाहगार नु छड़न लई एक बेगुनाह का खून किया है। ए तुसी की कह रहे हो चौई साहब? उस बेगुनाह का कातल दिलावर चाकू जी जिन्हें अपने पुत्र की जान बचा ली उस बेगुनाह की जान खोई है। ऐसा सबूत की खुदा इंसान के रूप च नहीं आ सकता चौधरी साहब, नहीं तो इतने मौके की गवाही खुदा आप आके देना। तानू मौके की गवाही की जरूरत नहीं, कानून दे उस मुजरम की जरूरत है जड़े तू मफरूर हो जाए। चोई साहब, मैं तो जुर्म के रस्ते से टुरन का वाल ही भूल गया वा, हूं उस मुजरम को वापस किवें लियावा? फिर साडा आखिरी फैसला भी सुन लें। जे कल दे सूरज ने साडे मुजरम इस पिंड च ना वेख्या असि तेरे बीवी बच्चे का खून कर देंगे। जे तू मुजरम ना ला सकिया ते उन्हां दी लाश चुकन लई जरूर आ जाई। ऐ की जुल्म कर रहे चौधरी साहब? मेरी ते कुल कायनात मेरी बीवी ते मेरा मासूम बच्चा है। जे तेनू अपने मासूम बच्चे ते बीवी नाल इन्ना ही प्यार है ते फिर उस बेगुनाह दे खून दी कीमत देण लई उस मफरूर नू जरूर लियाना पड़ेगा जिसने बेगुनाह पहरेदार दा खून करके ओदे बच्चे नू यतीम
ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੂਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। Yeah.
ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੁਸਤ ਲਈਏ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਣ ਲੈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦਿਲਾਵਰ ਮੇਰੀ ਸਟੇਨ ਚ ਅਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਲਾਵਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਕਬਰ ਪਰ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਅਕਬਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਜੇ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਕੇਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਦਰਾ ਕਾਦਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਚੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਪਰ ਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਬਿਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਕਾਤਿਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਾ ਆਏ ਕੌਣ ਇਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਰੋਵੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਥਰੂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ
ਤੇ ਦੱਸਣੋ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰਾ ਬਣ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਤੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾਂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਓ ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਓਏ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਨੌਂ ਗਿੱਦੜ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਾ ਸੱਚ ਆਖੇ ਓਏ ਸੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਬੁਰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਘੋੜਿਆ ਨੱਪਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਬੁਰਦਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲ ਲੈ ਗਈ ਓਏ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਓਏ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੀ ਮਾਮਾ ਬਾਰੀ ਜਾਏ ਕਲੇਜੇ ਚ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੋ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ
ले मरी मां, मां मैंने मार दिता ही। देख लिया अकबर, मैं अपने पुत्र का बदला ले ले, तेरे हाथों अपना दुश्मन भी मरवा दिता है। तेरे पुत्र को लो, अपने पुत्र का इंतकाम लवांगा। ओ सलमा, तू मेरे को एक जुलम से गिरा लेता है, पर जे तेरा हाथ मेरे पुत्र से जिंदगी बल बदया, जे सार अपनी मैं तेरे पिंड खून दिता दे, ओए बारूद बदेगा। जो दिल जाए जम जम करी, पहले मैं तेनू तेरे पुत्र की लाश का चेहरा ते दिखा लवा, फिर देखांगा ये फट खान तो बाद तू सानू गोली मारना है या आप खुद खुदकुशी कर लेना है। अरे सलमा, अरे मेरे पुत्र के बदले मेरे सिर च गोलियां मार ले, पर मेरे पुत्र नु कुछ ना किया है, मासूम नु कतल करन वाले नु खुदा भी माफ नहीं करता। खुदा तेनू भी माफ नहीं करेगा, मैं तेरा पुत्र मारांगा ता तेनू पता लगेगा जिन्ना प्यों दे पुत्रा नू मार दिता जांदा है, उन्होंने सीने किन्ने डूंगे फट लगते ने। नहीं है सलमा, ओए जुल्म ना करिया। नहीं है, ए जुल्म नहीं, इंसाफ है इंसाफ। क्यों है थीनिया, कुछ साडे कोलों भी मंग। मामा दो नच
ना छड़ लो, असी तेरे ते तेरी मां दे बड़े कर्जे सा, अज असी सारे कर्जे ला दिते ने, सारे कर्जे ला दिते ने। मरी नहीं मरी।